तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ ओपिनियन डिस्कस करना चाहता हूँ उन फ्रिक्वेंट क्वेश्चन से जो कि ज्यादातर एस्पिरेंट जो होते हैं वो पूछते हैं, ठीक है, कि वो क्या क्या क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन के ऊपर मैं अपना ओपिनियन रखूंगा और देखेंगे कि वो आपको कैसे हेल्प करते हैं। तो लेट्स सी दोज क्वेश्चन वन बाय वन। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द गेट एंड सीएसआईआर। तो गेट एंड सीएसआईआर की बात करते हैं। सो गेट एंड सीएसआईआर इज लाइक, जैसे गेट की बात करते हैं तो गेट कंडक्ट किया जाता है आईआईटी से, सीएसआईआर अभी एनटीए से कंडक्ट किया जा रहा है। सीएसआईआर कंडक्ट किया जा रहा है जो कि आपसे एनटीए कंडक्ट कर रहा है अभी, सीएसआईआर यूजीसी जो होता है। और गेट की बात करते हैं तो गेट क्वालिफाई करने के बाद जो फेलोशिप होती है वो फेलोशिप, जैसे सीएसआईआर आपको हर इंस्टीट्यूट में पीएचडी फेलोशिप प्रोवाइड करता है, गेट मोस्टली जो ओरिएंटेड होता है ज्यादातर आईआईटीज एनआईटीज या सम आईआईसी या सम इंस्टीट्यूट, वहां पे फेलोशिप प्रोवाइड होती है। और गेट से आप एमटेक भी अचीव कर सकते हो, लेकिन सीएसआईआर इज जस्ट ओनली फॉर द पीएचडी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, कैन समबडी क्रैक द सीएसआईआर नेट विदाउट कोचिंग। कैन समबडी क्रैक द सी एस आई नेट विदाउट कोचिंग। तो डेफिनेटली आई कैन से येस, आप क्रैक कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड योर स्ट्रैटेजी, आप अपने आप को किस तरीके से प्लान करते हो, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली विदाउट कोचिंग आप कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट द सी एस आई आर नेट सर्टिफिकेट। तो डेफिनेटली अगर आप सी एस आई क्वालिफाई करते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको मेल जो होता है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आप क्या करेंगे कि नोटिफिकेशन होता है साइट पे, वहां से कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जैसे 10, 12 सर्टिफिकेट्स, आपका एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अगर आपने अप्लाई किया था, तो ये सारी चीजें आप अप्लाई करते हो। और अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे कि आप भेज देते हो वहां पे पोस्ट पे, या आप डायरेक्ट लेके सी एस आई ऑफिस दिल्ली जा सकते हो और वहां से बाई हैंड भी ले सकते हो, या अगर आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे यहाँ से पोस्ट से तो वो आपको पोस्ट कर देंगे सर्टिफिकेट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, सी एस आई आर नेट इज द टफेस्ट एग्जाम फॉर द ग्रेजुएट्स इन द इंडिया। सो आई मस्ट से इट्स नॉट टफेस्ट फॉर द ग्रेजुएट्स। हाँ आप कह सकते हो कि बाकी एग्जाम से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट टफेस्ट आप नहीं बोल सकते, बिकॉज इट्स लाइक कि सबके सबके ऊपर ओपिनियन करता है। किसी के लिए एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है, किसी के लिए मुश्किल है, तो इट्स जस्ट ओपिनियन बेस्ड। किसी के लिए टफ लगता है तो किसी के लिए ईजी लगता है, तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हैं। फिफ्थ, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू क्वालिफाई सी एस आई आर नेट जे आर एफ एग्जामिनेशन। सो डेफिनेटली बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप कहीं पे विदाउट जे आर एफ पी एच डी कर रहे होते हैं तो पहली बात तो आपको फेलोशिप नहीं मिलती, वो आपको एक डिमोरलाइज करता है कि जब आप विदाउट फेलोशिप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको वहाँ पे फंडिंग नहीं मिल रही, फेलोशिप नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप उतना मोटिवेट नहीं हो पाते वो काम करने के लिए। और दूसरी चीज, आपके रिसर्च के लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें, तो उसके लिए फंड की जरूरत होती है। तो सी एस आई आर वो फंड आपको देता है ताकि आप अपने रिसर्च को कंटिन्यू करें और एंथुजियाज्म मैनर में आप उसको अच्छे से परफॉर्म करें। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आप फंड बेसिकली फंड के लिए या फेलोशिप के लिए सीएसआईआर जो मोस्टली प्रोवाइड करता है, आपके एडवांटेजेस इसमें से हैं। सिक्स्थ, हाउ डू आई प्रिपेयर नोट्स फॉर द सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस। सो प्रिपेयर करने की बात करूं तो आप कई तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बात करता हूं कि जो बुक्स होते हैं, बुक्स के जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए रहते हैं, तो बुक्स में सारी चीजें पढ़ने के अलावा आप क्या करें कि उन डायग्राम्स को, उन डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें जो डायग्राम्स के नीचे होते हैं, और बाकी 10-on-1 का अप्रोच अपना सकते हैं। जैसे कि आप 10 पेजेस पढ़ते हो चाहे बुक से या किसी भी स्टडी मटेरियल से, तो उसको एक पेज में समराइज करने की कोशिश करें अपने शॉर्ट ट्रिक्स या कोड्स या जो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेवेंथ, इज पाथ फाइंडर सफिशियंट टू क्लियर द सीएसआईआर नेट फॉर लाइफ साइंसेस। ठीक है, तो पाथ फाइंडर क्या सफिशियंट है क्लियर करने के लिए। तो देखिए सफिशियंट तो हर चीज होती है, लेकिन आप अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल की बात करेंगे तो आई मस्ट से कि पाथफाइंडर स्टडी मटेरियल इज नॉट कम्प्लीटली सफिशियंट टू क्लियर सीएसआईआर, बिकॉज कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि उसमें उस एप्रोप्रिएट मैनर में नहीं दिए हुए हैं। बट हाँ, क्लासरूम कोचिंग इज फाइन, क्लासरूम कोचिंग से आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन स्टडी मटेरियल में आपको कई सारे यूनिट्स जैसे डेवलपमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इन सबके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स या अदर मटेरियल्स पे शिफ्ट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, Are there any exams similar to the CSIR NET? Definitely बहुत सारे exams होते हैं, जैसे कि DBT JRF, Department of Biotechnology का JRF exam होता है, ICAR NET का exam होता है, ICAR NET examination, एंड उसके बाद ICMR JRF होता है, तो कई अदर JRF examination होते हैं, एम्स की PhD होती है, BHU की RET होती है जो कि PhD के लिए होते हैं, तो इनके अलावा भी कई सारे examinations होते हैं, you can go for that and you can get the fellowship also. Next,
नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल्स राइट सीएसआई नेट जेआरएफ एग्जाम विद लाइफ साइंसेस। तो लाइफ साइंसेस की बात करें तो ये जनरली 70 to 80,000 पीपल्स जो होते हैं पर जो बैच होते हैं वो एग्जाम में अपियर होते हैं, और इसी तरीके से स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत 10,000 to 5,000 अप डाउन होता रहता है। टेंथ क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स फॉर जेआरएफ नेट आर देयर फॉर द लाइफ साइंस इन द सीएसआई नेट एग्जामिनेशन। सो सीट्स की बात करें तो अगर LS की भी बात करें या JRF की बात करें, लेक्चरशिप या JRF दोनों की अगर कंबाइंड सीट की बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो होता है वो आपके 5000 के आसपास होता है। 5000 जनरली क्वालिफाई करते हैं हर जो एग्जाम होता है, चाहे दिसंबर हो या जून की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज CSIR नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लेक्चरशिप। एग्जैक्टली CSIR में दो कैटेगरी होती है, एक होता है JRF और एक होता है LS। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि PhD के लिए दी जाती है, और लेक्चरशिप जो कि अगर आप मास्टर्स के पास सीधे पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए दिया जाता है। JRF का कट ऑफ थोड़ा सा हाई होता है लेक्चरशिप से, जबकि लेक्चरशिप के जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा कम होता है JRF से। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड फॉर द CSIR नेट JRF एग्जाम। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे CSIR एग्जाम डिवाइडेड नहीं होता, ये आपके जो होता है ईयर वाइज होता है कि जनरली जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्जाम होते हैं वो आपके 28 ईयर्स होता है, और उसके लिए OBC और SC ST के लिए ये रिलैक्सेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज व्हाट आर गुड बुक्स फॉर प्रैक्टिसिंग CSIR नेट लाइफ साइंस MCQs। सो अगर गुड बुक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे कई सारे बुक्स अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहली चीज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आप एक टेस्ट बैंक ऑफ बायोलॉजी आती है कैंपबेल की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट एंड इवोल्यूशन आता है आपका पाथफाइंडर एकेडमी, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। MCQ आता है पाथफाइंडर, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कैटलिस्ट की एक बुक आती है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दीज आर सम बुक्स जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, टॉप 3 टिप्स टू क्रैक द CSIR नेट लाइफ साइंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो टॉप 3 टिप्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला सेट अ गोल, अपना गोल सेट कर लीजिए। देन सेलेक्ट अ प्लान या मेक अ प्लान, एक प्लान 6 महीने स्ट्रेटेजी के साथ या 3 महीने स्ट्रेटेजी के साथ। अपने प्लान को डेली वाइज टारगेट में डिवाइड करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए विद कॉन्फिडेंटली, और प्रीवियस एनालिसिस और मॉक टेस्ट को कभी भी छोड़े ना, उसको हमेशा अपने साथ रखें। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रैकिंग CSIR नेट लाइफ साइंसेस। अगेन वही बात कह सकते हैं कि आप क्रैक करेंगे जब CSIR नेट लाइफ साइंसेस को, ठीक है। तो उसके लिए कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, फंडिंग आपको मिलेगी, फेलोशिप मिलेगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में PhD के लिए जा सकते हैं अगर आप CSIR है। तो मोस्ट ऑफ द IITs की बात करें तो उतना इंटरव्यू प्रोसेस, जो हेक्टिक इंटरव्यू प्रोसेस होता है अगर विदाउट आप CSIR जाते हो, तो देयर इज अ रिटन टेस्ट देन आफ्टर इंटरव्यू, तो वो हेक्टिक प्रोसेस से आप बच जाते हो बिकॉज आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो। सो आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, फॉर्मल इंटरव्यू, एंड देन यू विल गेट द सीट, एंड डिपेंडिंग ऑन द योर इंटरव्यू। सो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, और बेनिफिट्स फेलोशिप की मोस्टली होती है। इसके अलावा एक वैल्यू एडेड हो जाता है आपके, अगर आप आगे जाके टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो जब एक कोई PhD विथ नेट होता है और PhD विदाउट नेट, उसमें एक डिफरेंस ज्यादा आता है जब प्रमोशन की बात होती है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ शुड आई प्रैक्टिस द एप्टीट्यूड फॉर द CSIR नेट लाइफ साइंस। सो अगेन अगर एप्टीट्यूड की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इससे डरते हैं कि एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कैसे करें। तो मैं आपसे बस यही रिकमेंड करूंगा कि CSIR कैटेगरी में लाइफ साइंस के अलावा और भी कैटेगरी जैसे फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, केमिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस, सो इनके एप्टीट्यूड पैटर्न CSIR से सिमिलर होते हैं, और कई सारे कोर्सेज जो कि एक टाइप स्लॉट में एग्जाम होता है उनके सेम भी होते हैं। तो आप इन सारे कोर्सेज या इन सारे कैटेगरीज के एप्टीट्यूड को लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है एप्टीट्यूड के लिए, ना किसी बुक्स को फॉलो करना है, ना ही किसी आप कोचिंग के पीछे भाग सकते हो एप्टीट्यूड के लिए। जस्ट आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the most important topics for the cracking the CSIR NET Life Sciences? So important topics की बात करें तो हर एक यूनिट्स में अलग अलग important topics होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ biochemistry, तो वहाँ पे आपके लिए जो होता है रामाचंद्र प्लॉट, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन फोल्डिंग, एंजाइम काइनेटिक्स, उसके बाद फ्री एनर्जी चेंज, ये सारी चीजें जो होती है काफी कॉमनली फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। अगर फंडामेंटल की बात करें वहाँ पे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल हो गया, कैसे आपके सेल साइटोलॉजी जो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन का, सॉर्टिंग कैसे होती है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करता हूँ अगर सेल कम्युनिकेशन में, तो एक आपके सेल एडरेंस या उनसे सेल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चन आता है ज्यादातर, GPCR या RTK से क्वेश्चन आते हैं।
कैंसर बायोलॉजी में P53 ज्यादा पूछा जाता है आपके। इनेटिस बायोलॉजी की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी में आपके कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में C3 C4 पाथवे हो गए, प्लांट हार्मोन्स रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी से, फोटोमॉर्फोजेनेसिस इससे क्वेश्चंस आते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में ज्यादातर आपके कहते हैं रिप्रोडक्शन से ज्यादातर जो इवोल्यूशनरी साइकिल्स होती हैं आपके किडनी से, किडनी प्रोसेस से आते हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में ज्यादातर आपके HFR स्ट्रेन जो माइक्रोबियल जेनेटिक्स होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके पॉपुलेशन, कुछ आपके लिंकेज एंड मैपिंग से क्वेश्चंस आते हैं। इकोलॉजी और इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें ज्यादातर पॉपुलेशन इकोलॉजी, कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व है, क्या एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। मार्क रिकैप्चर, उसके बाद आपके कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या कंपटीशन के टाइप्स होते हैं, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। इवोल्यूशन में ज्यादातर कुछ थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद हैमिल्टन रूल, गेन सिलेक्शन और कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे वो सारे जियोग्राफिकल एरास है वो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और टेक्निक्स की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR हो गया, CD हो गया आपका, और FITC जैसा की बात करते हैं, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स इनसे आप लर्न कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज डज CSIR नेट लाइफ साइंस हैव सेक्शन वाइज कट ऑफ। नो, CSIR लाइफ साइंस की बात करें तो सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ होता है, और जनरली ये वैरी करता है 50 to 55%, या समटाइम्स ये आपके 60% भी गया हुआ है कुछ लेटेस्ट ईयर्स में। तो जनरली 50 to 60% वैरी करता है कट ऑफ, और सेक्शन वाइज नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी मार्क्स डज अ CSIR नेट लाइफ साइंस टॉपर स्कोर। तो लाइफ साइंस टॉपर की बात करते हैं तो जनरली जैसा कि आपको पता है कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, सो 200 मार्क्स के पेपर में जो स्कोर होता है टॉपर्स का नियरली 170 के आसपास रेंज करता है, 172 175 लाइक 170 के आसपास होता है, उससे ज्यादा मतलब कभी कभी जो मैक्सिमम अभी तक गया है 178 गया है, तो इसी के रेंज में होता है 170 या 180 के रेंज में। नाउ उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लास्ट मंथ टिप्स फॉर द CSIR नेट लाइफ साइंस प्रिपरेशन। तो लास्ट मंथ टिप्स के लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अपने जो लास्ट मंथ को एक टाइम टेबल मेक करिए, डेली वाइज टारगेट सेट करिए, जितना भी आपका बचा हुआ है टॉपिक है या गोल है जो भी आप उनको लिस्ट करिए कि आपको कितने दिन में उसको कंप्लीट करना है, एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट दोस प्लान। उस टाइम टेबल को अपने आप A4 शीट पे लिख के चिपका सकते हैं और उसको फॉलो करो, उसको पढ़ते रहो, डेली टू डेली आप पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आफ्टर 30 डेज आपका टारगेट वाइज जब कंप्लीट होगा तो आप जितना भी चाहोगे उतना कंप्लीट कर सकते हो और आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। प्रैक्टिस, जब भी आप 1 मंथ प्रिपरेशन करते हो तो प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत जरूरी हो जाता है, और मॉक टेस्ट हर वीक में आपको मॉक टेस्ट देना होता है ताकि आप इंप्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये पता होना चाहिए।